अगस्त कॉम्टे ने, सोशियोलॉजी जो वर्ड है, उन्होंने सबसे पहले इस चीज की स्टडी की और उनको लगा कि हाँ इतनी सारी चीजें हैं, वाई नॉट सोसाइटी को लेके कुछ स्टडी किया जाए, और उन्होंने फिर सोशियोलॉजी की शुरुआत की। तो हम लोग ज्यादातर यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, सोशल रिलेशन क्या है, सोशल कंपेनियनशिप क्या है, हम किस तरीके से बात करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सिम्बल्स क्या है, सिम्बल से कैसे बात होती है। यहाँ पर मैं आपको हर चीज डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ हमारे नेट में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और जो कीवर्ड्स होते हैं यहाँ पे, जो सब जैसे हम देखते हैं काफी, हमने प्रीवियस ईयर जब हम सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से ये अप्रोच होती है हमारी, या होनी चाहिए कि किस तरीके से कीवर्ड्स को पकड़ा जाए। या मैंने जितनों के भी सुने हैं जो सक्सेसर्स हैं, उन्होंने किस तरीके से, या जिनको सफलताएं मिली हैं उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन की है अपने JRF की या अपने नेट की, तो उससे मैंने भी अभी तक जितना भी मैंने प्रिपरेशन किया है, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि हाँ हमको कीवर्ड्स को पकड़ना होगा ताकि हम क्वेश्चंस को सही कर पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट थोड़ा बहुत ग्रूमिंग। नाउ हम लोग आते हैं तो फर्दर एडुकेशन क्या है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे सोशियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं व्हाट यू मीन बाय एजुकेशनल सोशियोलॉजी, है ना। तो एडुकेशन का क्या रोल है, गुड इवनिंग ऑल, एडुकेशन का क्या रोल है, एडुकेशन क्या करता है, तो एडुकेशन क्या है, एडुकेशन हमको ग्रोथ देता है, हमको एक सही और गलत में पहचान करवाता है, सोसाइटी में आने फ्रॉम द डे वन जब हम शुरू करते हैं कि हाउ डिड वी यू नो फैमिली में आते हैं, हम फैमिली में वैल्यू सीखते हैं, उसके साथ साथ हम लोग शुरू करते हैं कि फैमिली के साथ हम लोग किस तरीके से डील करते हैं, कुछ प्राइमरी कोर वैल्यूज हैं जो हम फैमिली में आकर सीखते हैं। तो जैसे हम लोग आते हैं हमारे साथ साथ हमारे वैल्यूज को हमको सिखाया जाता है, तो ये सब क्या है, ये सब भी एडुकेशन ही है कि हम लोग जब डे वन से आते हैं हमारे साथ साथ हमारे फैमिली के वैल्यूज हमको दिए जाते हैं, फिर हम जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में किस तरीके से हमारे वैल्यूज को इनपुट किया जाता है, वो एक सेकेंडरी एजेंट है। और इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं यहाँ से कि फैमिली कौन सा एजेंट है, स्कूल कौन सा एजेंट है, स्कूल एक सेकेंडरी एजेंट है, काफी मॉक्स में भी अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्दर हम टॉपिक पे चलते हैं, एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है। जब हम एडुकेशन और सोसाइटी के पैरामीटर्स को एक साथ स्टडी करते हैं, जब यहाँ पे मैं पैरामीटर्स बोल रही हूँ तो इसका क्या मतलब है, पैरामीटर्स यानी सोसाइटी के कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जिनके साथ एडुकेशन बहुत अच्छे से लिंक है। जैसे स्कूल हो गया, राइट, तो स्कूल एक सिस्टम है, वहां पर हम लोग बातचीत सीखते हैं, हम लोग वहां पे सीखते हैं हमारे नॉर्म्स क्या होने चाहिए, हमारे कंडक्ट क्या होने चाहिए, हम किस तरीके से बात कर सकते हैं, हम किस तरीके से अपने एक्स्ट्रा करिकुलर टैलेंट्स को बाहर ला सकते हैं। आजकल इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, फॉर एग्जांपल कोडिंग हो गया, इतने सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उन सारी चीजों को किस तरीके से हमको पेरेंट्स तक पहुंचाना है। मीडियम बहुत है आजकल, वो अलग है कि गूगल फॉर्म है, ये है वो है, बहुत कुछ है, लेकिन इन सारी चीजों में भी हाउ डू वी इंटरैक्ट विथ ईच अदर, तो ये सारे प्रोस्पेक्ट आते हैं हम जब स्टडी करते हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ओके सर, आई विल म्यूट। आई होप सो भी क्लियर है सर। नेक्स्ट आएंगे हम लोग कुछ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसी, फॉर्मल हमारा स्कूल, हमारे कॉलेजेस, हमारे इंस्टीट्यूशंस, इनफॉर्मल क्या होगा, फैमिली, होम, जहां से हम लोग वैल्यू सीखते हैं, फ्रॉम द डे वी आर बॉर्न हम लोग आते हैं, गुड इवनिंग सर, हम लोग सीखते हैं चीजें, वैल्यूज सीखते हैं, तो ये सारी चीजें आती है हमारे नेचर में, मतलब सोसाइटी सोशियोलॉजी का क्या नेचर होगा अगर ये पूछा जाएगा, तो ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में ढूंढने होंगे कि हम लोग आगे कभी डिस्कस करेंगे तो कभी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक पे। सो मैं आपको बताऊंगी कि पॉइंट्स को कैसे ढूंढा जाता है हर क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते हैं, इतना है
कि वी हैव टू कैच द कीवर्ड्स, दैट्स इट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आता है और काफी बार थ्योरी पढ़ते हुए तो क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये एजुकेशनल सोशियोलॉजी है और ये सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त काफी दिक्कतें आती हैं। तो उसको किस तरीके से दूर किया जाए, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है। एजुकेशनल सोशियोलॉजी सिंपल एक प्योर साइंस है, ओके। ये सबसे पहली बात है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, यानी हमने जो भी सोशियोलॉजी में सीखा है उस चीजों को किस तरीके से एजुकेशन में अप्लाई कर पाएंगे, वो होता है एजुकेशनल सोशियोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ये कोर ब्रांच है, राइट। ये बिल्कुल कोर ब्रांच है, जैसे सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, एजुकेशन के लिए जो सोशियोलॉजी होता है वो होता है सोशियोलॉजिकल या सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। सो दो चीजें हमने सीखी, एक एजुकेशनल सोशियोलॉजी, दूसरा सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। एक है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, कौन सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, अगर कोई सुन रहा है मुझे तो दे कैन आंसर मी, कौन सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है और कौन सा थियोरेटिकल एस्पेक्ट है। अभी मैंने बोला है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कौन सा है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग अप्लाई करते हैं जब हम लोग स्कूल में या कॉलेजेस में, हम कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो ठीक है कॉलेजेस ले लेते हैं, तो कॉलेजेस में हम लोग जैसे बात करते हैं, जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, जैसे हमको दिए जाते हैं, हम चीजों को अप्लाई करते हैं, है ना। जो हम लोग जो सोसाइटी में सीखते हैं, इंटरेक्शन आपस में जो होता है, जो हम सीखते हैं, उन चीजों को हम लोग अप्लाई करते हैं, तो वो होता है एजुकेशनल सोशियोलॉजी। और सिंपल अगर सोशियोलॉजी देखें तो वो सिंपल ब्रांच है ऑफ स्टडी, वो ब्रॉडर एस्पेक्ट है, ये थोड़ा मिनिमम एस्पेक्ट है। ये है सिंपल डिफरेंस ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको ये ढूंढना होगा वहां पे की पॉइंट्स कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी अगर है तो वहां पे कहीं लिखा हुआ है क्या कि एप्लीकेशन किस तरीके से डालते हैं। तो वो क्वेश्चन में जब आप देख लेंगे तो आपको 100% श्योर हो जाएगा कि वो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है और ये सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है। थैंक यू सो मच, आई होप सो इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अप्रोचेस हैं जो कि मेरा टॉपिक है आज का, मैं आपको डिलीवर करना चाहती हूँ या सभी, यस थैंक यू। एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज प्रैक्टिकल, वेरी नाइस। और दूसरा जो है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन वो है थ्योरेटिकल, वेरी गुड, क्योंकि वो ब्रॉड है। प्रैक्टिकल क्यों, क्योंकि हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो जो चीज हम लोग अप्लाई कर पाएंगे वो प्रैक्टिकल होगा, राइट। सिम्बॉलिक इंटरेक्शन, अभी नेक्स्ट अप्रोचेस पे आते हैं, सिम्बॉलिक इंटरेक्शन। इससे सिंपल हम लोग पेपर वन का भी इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे हम लोग कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं, है ना, सिंपल बर्लो का मॉडल जो है SMCR, है ना, सेंडर मैसेज पहुंचाता है टू रिसीवर, किस तरीके से पहुंचाता है, तो एक थ्रू चैनल पहुंचाता है। उसी तरीके से जब सोसाइटी शुरू हुई तो हमारे पास वर्ड्स नहीं थे, आज का जैसे हम लोग हाय हेलो हाउ आर यू कोई किसी सोसाइटी में चले गए तो करते हैं, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था, है ना। तो लोग कैसे बात करते होंगे, इमेजिन लोग सिंबल से बात करते होंगे, लोग सिंपल कोड्स बनाते होंगे बात करने के लिए, जैसा ऐसा दिखा दिया तो लाइक, ऐसा दिखा दिया तो लवली, दिस काइंड ऑफ कुछ तो सिंबल्स होता होगा। तो उन सिंबल्स की स्टडी को सिंबॉलिक इंटरेक्शन कहा जाता है। ये है माइक्रो लेवल, ये छोटे वाले लेवल का है जिससे क्वेश्चंस आते हैं फिर से। तो मैं आपको बताते चल रही हूँ किस चीजों से क्वेश्चन आते हैं कि माइक्रो क्या है। माइक्रो हो गया सिंबॉलिक इंटरेक्शन, छोटे लेवल का, जहां से हम लोग जस्ट वी हैव बिगिन, मतलब सोसाइटी जस्ट शुरू हुई है, तो जो चीज शुरू हुई होगी वो छोटी होगी, वो माइक्रो होगी, राइट। ये हो गया सिंबॉलिक इंटरेक्शन। अभी इससे एक क्वेश्चन रिसेंटली तो नहीं, खैर मैंने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जब मैं कर रही थी तो मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे यहां से कि इसको दिया किसने है। ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इसको दिया किसने है। सो इसको दिया है हर्बर्ट मीड एंड हर्बर्ट ब्लूमा, राइट। तो इसको दिया ही है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ये इनके फादर थे, सोशियोलॉजी ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन अप्रोच के फादर थे ये। ये अप्रोच ही क्या है कि छोटे लेवल पे किस तरीके से पीपल स्टार्ट इंटरेक्टिंग, सो दिस इज ऑल अबाउट सिंबॉलिक इंटरेक्शन। यहां पे और एक कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म,
कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? जब हम खुद से सिंबल्स बनाते हैं, वी कंस्ट्रक्ट द सिंबल्स, वी स्टार्ट मेकिंग द सिंबल्स, तो वो होता है कंस्ट्रक्टिविज्म. नॉट ओनली सिंबल्स, व्हेन वी स्टार्ट डेवलपिंग आवर कम्युनिकेशन, कि हम लोग कम्युनिकेट कैसे करेंगे. आज थ्रू ऑल थैंक्स टू दिस ग्रुप हम लोग जुड़ पा रहे हैं, और हम लोग फेसबुक लाइव है, और इतने अच्छे से ये एक प्लेटफॉर्म का हम लोग एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख पा रहे हैं. लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता है ना. सो उस टाइम पे ऐसा तो था नहीं कि फेसबुक था या व्हाट्सएप था, वीडियो कॉल कर लिया, हमारा फ्रेंड बहुत दूर बैठा है और एक कॉल कर लिया और हमारा मन अच्छा हो गया, या मम्मी पापा से बहुत दूर है हमने कॉल कर लिया हमको अच्छा लगा, ऐसा तो नहीं था. तो उस टाइम पे लोग कैसे बनाते थे? लोगों ने अपने सिंबल्स डेवलप किए कि अच्छा, नाउ सिंस वी हैव टू लिव इन द सोसाइटी, एंड इट ऑल हैपन व्हेन सिविलाइजेशन स्टार्टेड. सिविलाइजेशन शुरू हुआ, लोगों ने पिक्चर्स बनाने शुरू किए, सिंबल्स बनाने शुरू किए कि अच्छा, यहां पर अगर एक कोई डेंजरस फेरोशियस एनिमल आ जाएगा तो किस तरीके से हम रिएक्ट करेंगे, है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ constructivism started. People started constructing their own culture. I mean constructing their own symbols. I'm very sorry. So इसको फटाफट revise करते हैं. इनको दिया किसने था? Herbert Blumer ने. इसको बोलते हैं interactionism और symbolic interactionism. Micro level theory है, छोटे level की theory है, क्योंकि society तब बहुत छोटी थी, और बहुत ही old theory है, मतलब approach है. Okay? Approach मतलब society को देखने का नजरिया. This is the simple meaning of approach. ठीक है. अच्छा, next इसके कुछ principles हैं, जैसे human अपना behavior किस तरीके से बनाता है, human अपने behavior को किस तरीके से shape करता है, human actions को किस तरीके से modify करता है. तो ये सारी चीजें सोसाइटी में रहते हुए हम सीखते हैं. आप इमेजिन करिए, आज हम हैं एक साथ हैं, एक प्लेटफॉर्म पर हैं, तो हम काफी चीजें एक दूसरे से सीखते हैं, है ना. कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी इजी नाउ अ डेज. फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मैं एग्जाम्पल दूं, हम बात कर रहे थे, मेरी ऑडियो कुछ गड़बड़ हो रही थी या दिक्कत हो रही थी, तो आई गॉट अ कॉल और मैंने वो ऑडियो कंडीशन मैंने ठीक कर दी, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट कि किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए. ये एक मीडियम बन गया हमारे कम्युनिकेशन का. उसी तरह स्ट्रक्चरल सिम्बॉलिक इंटरेक्शन भी एक मीडियम बना, मतलब ये सिंबल्स एक मीडियम बने कि हम किस तरीके से अपने मीनिंग्स को दूसरों तक पहुंचा सके. आई होप सो, ये मैंने जितनी भी थियोरी थी मैंने अपने वर्ड्स में मैंने बताई है. नेक्स्ट है, हम जाते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पे. व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म? स्ट्रक्चर मतलब क्या? एक ढांचा, किस तरीके से हम बनते हैं. हमारा फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बताया कि हम जहां पर रहते हैं, हमारा घर जहां है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कि वो रेक्टेंगुलर शेप का है, कि स्क्वायर शेप का है, कि ट्रायंगुलर शेप का है, कि सर्कुलर शेप का है. खैर, सर्कुलर शेप का कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी. सो दिस इज समथिंग अबाउट स्ट्रक्चर. फंक्शनलिज्म मतलब वो फंक्शन कैसे करता है, यानी सोसाइटी किस तरीके से अब फंक्शन करती है. तो पहले हमने सिर्फ सीखा था कि लैंग्वेजेस कैसे डेवलप होते हैं, अब हम सीख रहे हैं कि अभी स्ट्रक्चर होता क्या है. हाउ डिड सोसाइटी इज एक्चुअली फॉर्मड अप, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स और व्हाट आर द स्ट्रक्चरल चेंजेस, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, राइट. इसको दिया किसने था? डरकेम ने. DURKEIM इसको दिया था डरकेम ने. आपको बस ये सारी चीजें, ये टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आपको जो याद रखना है वो है इसके कीवर्ड्स और इसके मीनिंग. क्योंकि हमारे नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, हमको मीनिंग को डिकोड करना पड़ता है. डिकोड का मतलब आपको पढ़ना होगा, पढ़ के समझना होगा, और फिर आपको सही आंसर टिक करना होगा, राइट. तो उसके लिए आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है, राइट. और एक घंटे में जितना हो पाएगा मैं आपसे कंसेप्ट उतने शेयर करूंगी. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म दिया है डरकेम ने. इसको बोलते हैं हाउ एक्चुअली द सोसाइटी डेवलप्ड, उसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, हाउ डिड इट केम इन टू बींग, उसके उस स्ट्रक्चर्स के अंदर उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, ये सारी चीजों को लेके जो चीज डील करती है वो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, राइट. लेट्स सी, जैसे मैंने बोला कि सोसाइटी ऐसा क्यों फंक्शन करती है, दिस वाई, why does society functions this way?
what is the relationship between the different organs of the society. और जब मैं organs बोलती हूँ तो इसमें क्या क्या आएगा, legislative function आ सकता है, judiciary function आ सकता है, executive function आ सकता है, जो हम लोग पढ़ते थे काफी जब छोटे हुआ करते थे civics वगैरह में कि हमारे society के क्या functions है, executive हो गया, thank you ma'am, और काफी सारी चीजें हो गई जैसे हमारे लेजिस्लेटिव हो गए, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, हमारे लॉज एंड रेगुलेशंस क्या है, रूल्स क्या है, नॉर्म्स को नहीं, अगर हम लोग नॉर्म्स का अगर नहीं पालन करते हैं तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या है. सो ये सारी चीजें जो हमारे राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, ये सारी चीजें क्या है, एक जब आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो ये भी आपको आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद को मेंटेन कैसे करते हैं, आप अपने नॉर्म्स को, रेगुलेशंस को, रूल्स को किस तरीके से मेंटेन करते हैं ताकि एक सोसाइटी एक बैलेंस्ड रूप में चले. सोसाइटी में फर्दर जाकर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स या किसी तरीके की अशांति वाली सिचुएशन ना आए. लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि अशांति आती है क्योंकि हमारे पास, हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमारी डेमोक्रेसी ही ऐसी है कि हम वो लोग डेमोक्रेसी में एवरी वन हैज द इक्वल राइट टू स्पीक, है ना, राइट टू एजुकेशन तो हमारे पास सबके पास है. तो हम चाहते ही है कि हाँ, एजुकेशन में एटलीस्ट वी शुड हैव द राइट ऑफ फेथ, ऑफ लिबर्टी, है ना, कि हम लोग बोल सके, अपनी भावनाओं को हम लोग प्लेटफॉर्म पर रख सके. तो इसलिए आजकल आप काफी सारे पोस्ट वगैरह देखते हैं कि हाँ, क्योंकि एवरी वन हैज द राइट टू स्पीक. एंड सोशल मीडिया से बेटर तो और कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता जब हम लोग अप्रोचेस पढ़ रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी का एक पूरा मिनिएचर फॉर्म मुझे आजकल लगता है कि स्कूल को छोड़कर फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम यही है कि आप अपने, और ऑब्वियसली पॉजिटिव वे में, कि आप अपने जो आप सोचते हैं, आपके पास जितना भी टैलेंट है या जो भी है, आप किस तरीके से लोगों के सामने लाते हैं और लोग आपके साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं. क्योंकि अभी हमको सारी सिचुएशंस पता है, घर पे रह के भी इतने सारे काम हो रहे हैं, इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस हमारे में आ रही हैं. सो दिस इज एक्चुअली द एग्जांपल ऑफ व्हाट आई बिलीव स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग समवेयर, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ आपके लोगों की तरह. तो अगर मैंने कहीं भी गलती की होगी, सो काइंडली इन द कॉमेंट सेक्शन यू कैन कॉमेंट मी. आई विल नॉट टेक इट एज एनी ह्यूमिलिएशन. मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, सब पढ़ रहे हैं और साथ में सब अपना क्लियर करेंगे, गोल अचीव करेंगे. सो उसके बाद, अच्छा, कल्चर. सोसाइटी में हम लोग रहते हैं तो ऑब्वियसली कल्चर डेवलप हो रहा है हमारे. हम लोग एक कल्चर को पकड़कर हम लोग आगे चलते हैं, है ना. कल्चर इन द सेंस व्हाट, कि जब हम इसी, फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि एक कल्चर है, क्लासरूम कल्चर है. हम सब टीचर बनने वाले हैं या ऑलरेडी हैं. तो हम लोग जब क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल होते हैं, मतलब प्यूपल बच्चे होते हैं, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन. आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन देयर कल्चर, आई वॉन्ट टू करेक्ट माई सेल्फ हियर. यहाँ पे मैं ये चीज बताने की कोशिश करूंगी, उनके डिफरेंट बैकग्राउंड होते हैं. कोई प्रिविलेज होता है, कोई इतना प्रिविलेज नहीं होता है. किसी को शायद इतनी सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलती है. अगर ऐसा होता तो हमारी सोसाइटी इतनी डिस्क्रिमिनेट नहीं होती, है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर गैप को कम किया जाए, किस तरीके से ये जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है एक बैलेंस, एक लेवल पर लाया जाए, इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म. इनको दिया था डर्केम ने, और ये सारी इसकी चीजें थी जो मैंने आई थिंक सारी चीजें कवर की हैं. एक अगर छूट गया था तो वो है मैक्रो लेवल थ्योरी. दिस इज अ मैक्रो लेवल थ्योरी, मतलब सिंपल आप अगर याद रखेंगे, बिल्कुल सिंपल में, वन इज सिंबॉलिक इंटरेक्शन, हर्बर्ट ब्लूमर, ठीक है, और वो है माइक्रो लेवल थ्योरी. इसके बाद थोड़ी लेवल बढ़ी हमारी, तो हम सोसाइटी, क्योंकि हमने बात करना शुरू किया, हमको लगा कि हाँ, हमको तो बहुत कुछ आता है तो वी कैन एक्चुअली एक्सप्लोर. उसके बाद हम आए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पे. फंक्शनलिज्म को दिया डर्केम ने. डर्केम ने बोला नहीं नहीं, ये मैक्रो लेवल थ्योरी है, क्योंकि सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, वी हैव टू टॉक. तो जब हम लोग बात करेंगे तो वो एक बड़ी वाली लेवल थ्योरी आ गई. अभी नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स. अभी देखिए, बहुत लॉजिकल सीक्वेंस में ये सारी थ्योरीज दी गई हैं. आप जब अच्छे से इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा, अभी सोसाइटी बन गई, अभी
कॉन्फ्लिक्ट में कार्ल मार्क्स आए, राइट। हमने सब ने क्योंकि मास्टर्स में हर सब्जेक्ट में मोर और लेस कार्ल मार्क्स के बारे में हमने पढ़ा ही है, लेट इट बी एनी सब्जेक्ट। क्योंकि मैं खुद ज्योग्राफी से हूँ तो उनका एक अलग सा कॉन्सेप्ट था ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में उनका एक कॉन्सेप्ट था। सो लेट्स स्टार्ट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्यों दिया था इन्होंने, क्योंकि इनको लगा कि अच्छा अब सोसाइटी बन गई है, अब झगड़ा तो होगा, अब झगड़े को किस तरीके से मिटिगेट करना है, मिटिगेट यानी खत्म करना है, तो उसके लिए कुछ चाहिए। तो उन्होंने बोला कि क्यों, मैं भी क्यों पीछे रहूं, मैं भी आऊंगा, अपना थ्योरी दूंगा मैं। तो उन्होंने अपनी थ्योरी दे दी। ये मैं थोड़ा बहुत जस्ट कंटेंट के लिए बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला था उन्होंने। सो उन्होंने बोला कि ठीक है चलिए, अभी उन्होंने एक थ्योरी दे दी जिसको बोला कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। अभी इसमें क्या था, कॉन्फ्लिक्ट्स में हमने सबने पढ़ा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे भी हमने देखा है, या अगर आप देखें 18th सेंचुरी से पहले जब रेनेसा आया, 18th सेंचुरी से रेनेसा शुरू हुआ, तो 18th सेंचुरी के पहले जब रेनेसा आया या थोड़े बहुत लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू किया, क्यों शुरू किया, क्योंकि मिडिल क्लास ऐसा था जो एक क्लास ऐसा था जो कंटिन्यू दब रहा था, और एक क्लास ऐसा था जो कंटिन्यूस इट वॉज इम्प्रूविंग इन द सेंस इट वॉज डोमिनेटिंग क्लास। तो वो एक कंटिन्यूस क्लास स्ट्रगल था इन दोनों क्लासेस में, कि एक क्लास को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, एक क्लास बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड है, और एक क्लास ऐसा था जिसके पास कोई प्रिविलेजेस नहीं थे। तो उसको कौन डोमिनेट कर रहा था, ये वाला जो क्लास था जिसके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं थी, तो ये क्लास कंटिन्यूसली डोमिनेट कर रहा था। तो इस चीज को स्टडी किया सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने, और उनके फर्दर उनके थियोरीज आई कि कार्ल मार्क्स की किस तरीके से थियोरीज थी, राइट। तो कार्ल मार्क्स और उसके बाद वेबर दोनों ने मिलकर ये सोचा कि अच्छा कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर हम हमारी सोसाइटी को हमको डेवलप करना है तो हमारी सबसे पहली जो नीड है वो है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म किया जाए, लेट्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल वी विल एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारे जब तक कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म नहीं होंगे हमारी सोसाइटी डेवलप नहीं हो सकती। क्योंकि व्यूज पॉइंट अगर कंटिन्यू, आप सोचिए व्यूज पॉइंट अगर कंटिन्यूस टकराते रहेंगे, हमारे जो हम बोल रहे हैं और जो हम सोच रहे हैं, आप हमारे खुद के ऊपर एग्जाम्पल्स लीजिए, अगर हमारे सबके साथ होता है कि कभी कभार वी फील वेरी डाउन, तो हम जो सोचते हैं और हमारा जो मोटिव होता है उन दोनों में कंटिन्यू कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। एट द एंड ऑफ द डे वी डिसाइड कि नहीं, हमारा गोल क्या है, टारगेट क्या है, वी हैव टू कम बैक, राइट। तो ये इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए इन्होंने बोला कि दिस इज वन सच थियोरी टू एंड अप द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वन हु आर डोमिनेटिंग, मतलब जो डोमिनेट कर रहे हैं, और जो डोमिनेट हो रहे हैं, मतलब उनकी अवस्था तो और खराब थी, उनकी सिचुएशन तो और खराब थी क्योंकि वो डोमिनेट हो रहे थे, उनके पास ऐसे भी बेसिक नीड्स नहीं थे। तो फिर उन्होंने कार्ल मार्क्स अपने अप्रोच को लेके आए, और मार्क्सिज्म में आप लोगों ने इसके पहले यूनिट्स में पढ़ा होगा कि किस तरीके से उन्होंने सोसाइटी को फर्दर तीन लेयर्स में बांटा, और उसके बाद हर लेयर में कुछ ना कुछ एडिशंस किए कि किस तरीके से सोसाइटी को रिस्पेक्ट किया जाए, किस तरीके से पीपल दोज हु आर लिविंग इन द सोसाइटी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, एंड देन ओनली सोसाइटी कैन प्रोग्रेस, एंड देन ओनली आवर कॉन्फ्लिक्ट्स विल एंड। सो दिस इज एक्चुअली अगेन दिस इज अ मैक्रो लेवल थ्योरी। और क्यों मैक्रो लेवल, क्योंकि अगेन सोसाइटी आए, इतने सारे लोग आए, तो ऑब्वियसली अगर बहुत ब्रॉड लेवल पे कोई थ्योरी बनाया गया है या कोई अप्रोच बनाई गई है तो वो हमेशा ही मैक्रो लेवल थ्योरी होगी, राइट। सो आई थिंक सो इतना क्लियर है सबको, या बिकॉज इन अप्रोचेस में से इतना ही आता है, या इतने में से ही क्वेश्चन आते हैं अभी तक। आई एम ऑल्सो ऑन फिंगर क्रॉस की इसके ऊपर ना आए। नेक्स्ट आई विल गो टू सोशल इंस्टीट्यूशंस। हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है, ये मैंने पहले ही अपने इंट्रोडक्शन में बताया, फैमिली है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, देन हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं इसमें। रिलीजियस का ये मतलब नहीं है कि रिलीजन, कभी ये नहीं बोलता है कि किसी एक रिलीजन को आप मानिए दूसरे को मत मानिए। वी बिलीव इन सेक्युलरिटी, है ना, सेक्युलरिटी, सेक्युलर नेशन। सेक्युलर का मतलब हर रिलीजन शुड बी इक्वल, एवरी रिलीजन शुड बी गिवन सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज,
some kind of respect, not some kind, rather the kind of respect every religion should get, right? Then government, अगर हम लोग government की बात करें तो government के powers, what are the government's power? Government will make the law, keeping in mind the people of the nation. That is why we live in democracy. Why it is for the people, by the people, of the people. Given by Abraham Lincoln. ये question आ चुका है कि ये line किसने दिया था? I think paper 1 या paper 2 किसी में एक में आया है. So आप लोग ये note कर सकते हैं. In between जो मेरे दिमाग में आता है मैं बताती रहती हूँ. Next is economy. जब हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं तो क्या आएगा दिमाग में? रिसोर्स, गुड्स एंड सर्विसेज. बिकॉज अगर कंट्री टू कंट्री में डेवलपमेंट बनाना है, कंट्री टू कंट्री में हमें एक सद्भाव रखना है, तो हमें ये देखना होगा कि हमारे जो इम्पोर्ट है और एक्सपोर्ट है और ट्रेडिंग्स है ये बहुत इक्वली चले, ये बहुत इक्वल बैलेंस में चले. एवरी नेशन शुड बी अ पार्ट. तभी ये होगा कि कोई नेशन को डेवलपिंग नहीं बोला जाएगा, डेवलप्ड नहीं बोला जाएगा या अंडर डेवलप नहीं बोला जाएगा. लेकिन हाँ, ऑन दिस प्रेजेंट सिचुएशन दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इकोनॉमी काफी ज्यादा हैम्पर हुई है बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स विच यहां पर हम लोग ये डील नहीं कर रहे हैं. सिर्फ मेरा इतना मतलब है कि अगर सोसाइटी टू सोसाइटी में भेदभाव रखना है तो हमको हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देना होगा इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. क्योंकि एक कंट्री जब दूसरे कंट्री के लिए सोचेगी तब हमारा ग्लोबलाइजेशन भी विल बी प्रोग्रेसिंग मोर अहेड इन टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन. हमने पढ़ा है सबने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, राइट? नेक्स्ट द फंक्शंस ऑफ सोसाइटी क्या है हमारी? एक तो हमारी हो गई पॉलिटिकल फंक्शंस, यानी हमारे पॉलिटिकल राइट्स क्या है. पॉलिटिकल पार्टीज अगर ये करती हैं कि अपना पावर, अपना व्यू पॉइंट हम पर एज अ सिटीजन्स पर इम्पॉर्टेंट मतलब कोई चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है. आपने किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है मैम, अगर वो बताएंगी तो मैं आपको हेल्प कर दूंगी. मुझे समझ नहीं आ रहा. इम्पॉर्टेंट मतलब एनीथिंग जो हमको, हमारे लिए जरूरी है. अगर आप अपना क्वेश्चन थोड़ा मतलब लिखिए अच्छे से, मुझे समझ आ जाएगा. थैंक यू. आई थिंक मैं आगे बढ़ती हूँ. सो पॉलिटिकल में हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो गए. अच्छा, वैल्यूज पे बहुत हमारे क्वेश्चंस आए हैं 2020 में. अगर आप पेपर 1 पे देखेंगे वैल्यूज पे बहुत क्वेश्चन आए हैं. हमारे वैल्यूज क्या है? इंटीग्रेटिंग और कॉम्प्रेहेंडिंग, ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जिनका की वर्ड्स आपको समझना होगा कि इमिटेट कैसे करते हैं हम लोग अब्रॉड. फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर अपने क्लास में किस तरीके से वैल्यूज को डेवलप करेगा? डेमोक्रेटिक वैल्यूज चाहिए उसके क्लास में उसको, ताकि द टीचर शुड बी, टीचर एंड द स्टूडेंट शुड इंटरैक्ट. अभी जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया और मैंने फिर उसका आंसर दिया, तो ये क्या हम दोनों के बीच एक इंटरैक्शन हुआ? तो क्लासरूम इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अ सोसाइटी. तो किस तरीके से हमारे वैल्यूज होने चाहिए हमारे? एज अ टीचर वी शुड नॉट शो आवर अथॉरिटेरियन नेचर. अथॉरिटी मतलब किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती दिखाना, जैसे हिटलर करता था. जोर जबरदस्ती पे उसको लगता था कि वो जोर जबरदस्ती करेगा और सब उसकी बात मान जाएंगे, है ना? तो ऐसा तो नहीं होता है. तो आप जब किसी भी सोसाइटी में हैं एज अ लीडर या एज अ टीचर, तो आपने जाना होगा कि आप अपनी सोसाइटी में किस तरीके से हैं, आप बैलेंस कर पा रहे हैं कि नहीं, आप अपने व्यू पॉइंट्स को किस तरीके से आप दूसरे मेंबर तक पहुंचा पा रहे हैं विदाउट राइजिंग एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट? सो दिस इज एक्चुअली सम काइंड ऑफ वैल्यूज. ओके, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक. इकोनॉमिक फंक्शंस क्या होंगे हमारे सोसाइटी के? बैलेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, द पैरिटी मतलब एक बैलेंस बनाए रखना कि हम लोग कितना इम्पोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे फायदे में कितना है, हाउ डू वी. अच्छा, आप सोचिए, अगर हमारी कंट्री को डेवलप करना होगा तो हमारे कंट्री के कुछ नियम होंगे, कुछ रूल्स होंगे जो हमारी कंट्री को फॉलो करना होगा. हमारी कंट्री क्या फॉलो करेगी? हमारी कंट्री ये फॉलो करेगी कि हम जो लीडिंग नेशंस हैं, यानी यूएस हो गया या बहुत सारे अदर नेशंस हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स में हमको ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि हम लोगों के नजर में आए.
इसका नेगेटिव मीनिंग नहीं है, इसका ये मतलब है कि इंडिया ने भी कुछ ग्रोथ्स किए हैं ताकि लोग उन चीजों को नोटिस करें और अल्टीमेटली हमारा डेवलपमेंट हो, है ना। क्योंकि रिसेंटली अगर आप देख रहे हैं तो काफी सारी चीजें, जैसे हम लोग इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमारी जो विंड एनर्जी की रैंकिंग है उसमें भी हम लोग ने बहुत अच्छा किया है। सो सोसाइटी ब्लिस बायस, अच्छा सोसाइटी बायस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप बायस लिखना चाहती थी शायद या चाहते थे सोसाइटी बायस, यानी बायस्ड मतलब कि मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रही हूं, मैं किसी को बोल रही हूं कि आप फलाना फलाना क्लास से हैं मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप फलाना फलाना रिलीजन से हैं मैं आपसे बात नहीं करूंगी। तो ये मैंने अपने पर्सनल पे बोला, इसको बोलते हैं बायस्ड, कि मैंने किसी को एक सब्जेक्टिविटी से देखा, मैंने किसी को ऑब्जेक्टिविटी से नहीं देखा, मैंने उसको उसके टैलेंट से जज नहीं किया, मैंने इस चीज से जज किया कि वो बंदा किस क्लास का या किस कास्ट से आया है। तो दिस इज आई एम डूइंग बायस्ड, आई होप सो मैंने आंसर दिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आपने बायलेस क्या लिखा है, क्योंकि मैंने मुझे नहीं लगता। एनीवेज अगर आप थोड़ा और क्लियर कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फैमिली स्कूल, ये मैंने बोला हुआ है, इसमें से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं फैमिली एंड स्कूल वगैरह से। नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट क्यों किया जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आज हमारे इंडिया में एक ऐसा मूवमेंट है जो कि हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स का जो मूवमेंट है या बहुत सारे अदर्स, जैसे चिपको मूवमेंट, चलिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं चिपको मूवमेंट का। चिपको मूवमेंट हुआ था ताकि ट्रीज को बचाया जा सके, राइट। सुंदरलाल बहुगुणा जी थे या उन्होंने ये जो मुहिम है वो शुरू की थी, तो उन्होंने क्या बोला था कि हमारी जो ट्रीज है वो इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही हैं, उनको सेव करने के लिए हमारे पास कुछ, उन्होंने वो कुछ रेवोल्यूशन लाना चाहते थे उन ट्रीज को, उनके एरिया के ट्रीज को वो बचाना चाहते थे, क्योंकि हमको सबको पता है अगर ट्रीज कटेंगे तो उसका सबसे वर्स इम्पैक्ट ह्यूमन बींग के ऊपर आएगा, हमारे ऊपर आएगा, पूरी मैनकाइंड पूरी सभ्यता के ऊपर आएगा, है ना। तो इस तरीके के मूवमेंट क्यों किए जाते हैं, मूवमेंट किए ही जाते हैं ताकि हमारी जो डिमांड्स है या हमारी जो मांगे हैं वो जब पूरी नहीं होती है किसी भी कारण से, हमारी जो मांगे जो पूरी नहीं होती है या गवर्नमेंट पूरी नहीं कर पाती, क्योंकि ये भी पॉसिबल नहीं है एक डेमोक्रेटिक नेशन जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को सेटिस्फाई किया जा सके। क्योंकि अगर यहाँ पे आई बिलीव बहुत सारे ऐसे स्कूल टीचर्स होंगे या कॉलेज टीचर्स होंगे, हमको सबको पता है अगर हम कोई टास्क देते हैं, होमवर्क देते हैं या हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन देना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है क्लास में, है ना। तो हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि ऐसा एक क्वेश्चन पेपर दिया जा सके ताकि उस क्वेश्चन पेपर को एवरीवन शुड बी एबल टू अटेम्प्ट। तो ये सारी चीजें क्या है, हर बच्चे की पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान में रखकर कुछ बताना, कुछ काम करना, राइट। सो दिस इज एक्चुअली ऑल अबाउट हाउ द कंसेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट स्टार्टेड, राइट। सो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो मूवमेंट क्या हो गया, मूवमेंट हुआ कोई कलेक्टिव होल, कोई कलेक्टिव एक्टिविटी, किस तरीके से एक साथ मिलकर कोई एक्टिविटी की जा सकती है, तो उसको बोलते हैं सोशल मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आई होप सो सबको समझ रहा है, मैं कुछ फास्ट जा रही हूं, अगर आपको यहां तक में कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मुझे लगता है मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूं क्योंकि कंप्लीट करना है, तो आपको अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं एक दो मिनट के लिए अभी पॉज कर सकती हूँ एंड देन आई विल गो कंटिन्यू विथ माई रेस्ट टॉपिक, क्योंकि टॉपिक बहुत ईजी है, कुछ डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीजें बस दिमाग में रखनी होंगी, क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहाँ पे आई थिंक और कोई डाउट नहीं है तो आई विल गो फॉर द नेक्स्ट। ओके, थियोरीज, इसके अंडर कुछ थियोरीज आती है, हमने अभी अप्रोचेस पढ़ा सोशोलॉजी, सोशोलॉजिकल अप्रोचेस, अभी हम लोग कुछ, मैं बिल्कुल ब्रीफ में बता रही हूँ, प्रेजेंटेशन मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बहुत सारी चीजें आ जाती है बिल्कुल क्रिस्प में, जो जो इम्पोर्टेंट है वी आर डीलिंग विद दैट, एंड आई बिलीव मैंने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टच किए हैं। सो हूसोएवर विल सी, अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, थैंक यू। सोशल मूवमेंट थियरी, ये आया ही कैसे, जब कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ
तब कुछ थियोरीज सामने आई। कॉन्फ्लिक्ट होता ही क्यों है, क्योंकि अगर मेरे कुछ राइट्स फुलफिल नहीं हो रहे, मेरे इन द सेंस एक ग्रुप ऑफ पीपल के कुछ राइट्स अगर फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो मैं क्या करूंगी एज अ इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन। ऑब्वियसली आई विल अप्रोच द गवर्नमेंट और मे बी मैं एक ग्रुप तैयार करूंगी जिनको मैं देखूंगी कि हाँ उन ग्रुप्स के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, उन ग्रुप्स के साथ भी डिप्राइव्ड है और या वो ग्रुप भी डिप्राइव्ड है इक्वली, राइट। सो दिस इज एक्चुअली ऑल अबाउट द मेन मोटिव बिहाइंड सोशल मूवमेंट। जब सोसाइटी के हित में कोई मूवमेंट हो, जब सोसाइटी के कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने के लिए कोई मूवमेंट हो, कोई पॉजिटिव माइंडसेट से कोई मूवमेंट हो, उसको बोलते हैं सोशल मूवमेंट थियरी, राइट। ओके, द नेक्स्ट वन। सो द फर्स्ट सोशल मूवमेंट थियरी, रिलेटिव डिप्राइवेशन। आप इतना तो समझते हैं कि रिलेटिव, रिलेटिव मतलब किसी चीज का डिफरेंस, और यहां पे डिफरेंस हम लोग सोसाइटी के लिए बोल रहे हैं, तो एक ग्रुप जिसके पास बहुत है और एक ग्रुप जिसके पास है ही नहीं, तो वो हो गया रिलेटिव। उसका सम, उसका जो डिफरेंस निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव। डिप्राइव्ड मतलब कोई ग्रुप अगर डिप्राइव्ड है अपने, उसके उसके नीड्स जो हैं फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो उसको सिंपल वर्ड्स में रिलेटिव डिप्राइवेशन कहा जाता है, राइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम में अगर डिफरेंट इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स हैं, राइट, हर किसी के अगर हर किसी का इंडिविजुअल राइट या हर किसी को सेटिस्फाई करना टीचर इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द टीचर टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। लेकिन अगर मैं नोइंगली किसी बच्चे को हरास कर रही हूं, सो दैट इज उस बच्चे का वो राइट बन जाएगा दैट ही और शी माइट कंप्लेन अगेंस्ट मी, तो वो हो गया डिप्राइव, वो डिप्राइव हो गया, उसको मैंने जानबूझकर कुछ नहीं बताया तो वो हो गया डिप्राइव। इस तरीके से एक रिलीजियस कम्युनिटी में कोई एक टिपिकल, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अगर डिप्राइव्ड होती है किसी चीजों से, किसी राइट्स से, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव डिप्राइवेशन, दैट कम्स अंडर रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी, राइट। सो इसको दिया था गर, GURR, इन द ईयर 1970। हम लोग लास्ट में फटाफट एक रिवाइज करेंगे कौन से थियरीज को किसने दिया था, राइट। सो गर ने इसको दिया था, GURR या गुर बोल सकते हैं, GURR, इन्होंने 1970 में इस थियरी को दिया था, सोशल सॉरी रिलेटिव डिप्राइवेशन थियरी अंडर सोशल थियरीज। नेक्स्ट वी विल कम अक्रॉस रिसोर्स मोबिलाइजेशन। मोबिलिटी मीन्स व्हाट, मूवमेंट। रिसोर्स मतलब जो हमारे सोसाइटी में अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नॉट ओनली नेचुरल, ऑल नॉन सॉरी फिजिकल रिसोर्सेज, नॉट ओनली फिजिकल, बायोटिक एंड एबायोटिक बोथ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, राइट, उस चीजों को किस तरीके से अवेलेबल करवाया जाए। आप सोचिए, यहां पर मैंने एक मैम का मैं जरूर नाम लेना चाहूंगी, यहां पे मैं दो टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी ये टॉपिक क्लियर करवाने के लिए। सबसे पहले मेरी बहुत ही पर्सनल फेवरेट है सुजाता मैम एंड पल्लवी मैम, जो यहां पर भी हैं, इस ग्रुप में भी हैं, एंड आई होप सो वो देखेंगी। तो मैंने उनका एक वीडियो देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो और मुझे समझ आया था उनका वीडियो, तो मैंने इसलिए उनका नाम भी लिया। थैंक यू मैम एंड थैंक यू सुजाता मैम। सो इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स मोबिलाइजेशन इसी बात पे स्ट्रेस करता है कि किस तरीके से रिसोर्स को मोबिलाइज किया जाता है, किस तरीके से रिसोर्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो वो होता है मोबिलाइजेशन। अगर रिसोर्स, आप सोचिए कि आपके एरिया में कोल मिला और आपने बोला कि नहीं 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 मेरे एरिया में कोल है, मैं क्यों बताऊं दूसरों को, या मैं इन द सेंस एक कम्युनिटी, अगर एक कम्युनिटी को कोई आज एक किसी कम्युनिटी ने खोज की है और वो कम्युनिटी सोच रही है कि नहीं नहीं मैं अपने रिसोर्सेस को यहीं तक रखूंगी, अपने तक ही सीमित रखूंगी, सो मैम इधर थैंक यू। तो ये हो गया रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ओके, कि मैंने बोला कि नहीं नहीं मैं अपने तक ही रखूंगी इसको, और मुझे नहीं जाना, मैं दूसरों तक नहीं पहुंचाऊंगी इसको, तो वो तो मैंने गलती की है ना, तो मैं वो तो दैट इज रॉन्ग, सो आई शुड नॉट डू इट। आई मीन्स एज अ सिटीजन वी शुड नॉट डू इट,
तो वो हो गया रिसोर्स मोबिलाइजेशन. ओके, थैंक यू सो मच पल्लवी मैम. सो नॉलेज यहाँ पे किन चीजों को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा? यहाँ पे नॉलेज को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, यहाँ पे मनी को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, क्योंकि मनी इट्सेल्फ इम्पोर्टेंट फैक्टर. कि आप सोचिए, अगर बिना मनी के क्या रिसोर्सेस को मोबिलाइज किया जा सकता है? नहीं ना. वी नीड मनी, तभी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तभी हमारी इकोनॉमी बढ़ती है. अदरवाइज तो हम लोग वहीं के वहीं होते हैं. अभी 1951 से अभी तक वी हैव डेवलप्ड अ लॉट. सो ये होता क्यों है? क्योंकि मनी एक्सचेंज होती है, मनी रोल ओवर होती है. तो इन सारी चीजों को हम लोग रिसोर्स मोबिलाइजेशन में देखते हैं, राइट? सो ये काफी लॉजिकल एंड रैशनल प्रोसेस है ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन. नेक्स्ट आई विल कम अक्रॉस द लास्ट वन एंड द वेरी इजी वन, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी. व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी? इट डील्स विद पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज. पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज मीन्स हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई वो कोई दबाव डालती है हम पे कोई डिसीशन लेने को, सो दैट इज नॉट करेक्ट, राइट? फॉर मिटिगेटिंग आवर नीड्स, दैट इज नॉट करेक्ट इन अ सोसाइटी. अ पॉलिटिकल प्रोसेस शुड बी वेरी मच डेमोक्रेटिक, वेरी इट शुड वर्क इन अ वेरी डेमोक्रेटिक और बहुत स्मूथ वे में उसको काम करना चाहिए, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी. कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ना आए जिनसे जिनको ये लगे कि नहीं, जोर से या हमारे ऊपर कोई दबाव डालकर कोई डिसीजन हमको लेने पड़े, दैट इज नॉट करेक्ट. सो एज अ सिटीजन वी आर इन द सोसाइटी शुड बी एबल टू टेक डिसीजन रैशनल, मतलब लॉजिकल, सोच समझ हम डिसीजन ले, तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस. वो आता है, वो फॉल करता है अंडर पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी. और आप जब क्वेश्चंस करेंगे आपको इसके क्वेश्चंस बन जाएंगे. आप कुछ क्लासेस करिए, अच्छे एडुकेटर्स हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी या ये जो मैंने अभी ये सब थ्योरीज बताई हैं किस तरीके से आपको हेल्प करेंगे. प्रीवियस ईयर करिए, वॉट एवर हेल्प वी कैन डू, ऑब्वियसली वी आर देयर फॉर यू ऑल. लेकिन आप प्रीवियस जरूर करिए ताकि आपको एफिशिएंसी लगी और किस तरीके से सेशन को अटेम्प्ट करना है. काफी सारे एडुकेटर्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट माई पार्ट. एक कॉन्सेप्ट अगर रह गया तो मैं वो बोल देती हूँ, या अगर यहां तक किसी को डाउट है तो आप लिख सकते हैं कॉमेंट में, सो दैट आई कैन रीच आउट टू यू ऑल. अगर नहीं है तो फिर एक सिर्फ कॉन्सेप्ट है, कल्चरल लैग. मटेरियल एंड नॉन मटेरियल नीड्स हमारे जो होते हैं, यानी रिसोर्स, हमारे जो कुछ मटेरियल रिसोर्स होते हैं, कुछ नॉन मटेरियल रिसोर्स होते हैं, उनमें कुछ गैप रह जाता है. कुछ रिसोर्सेज मटेरियल हैं, मटेरियल यानी जिनको जो सॉलिडिफाइड फॉर्म में होते हैं मटेरियल नीड्स. नॉन मटेरियल हमारे वैल्यूज हो गए, हमारे एस्पिरेशंस हो गए. इन सब चीजों में जब डिफरेंस बहुत बढ़ जाता है, राइट, तो वो आता है लैग. लैग मतलब क्या? कुछ कमी. तो कमी होती कब है? जब मटेरियल एंड नॉन मटेरियल में एक डिफरेंस, एक ह्यूज गैप आ जाता है. और ये जब ये गैप धीरे धीरे कम होने शुरू होता है तो उसको फिर वो कल्चरल लैग जो है वो रिड्यूस होता है. एंड दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर सोसाइटी. अगर सोसाइटी को स्टेबल होना है तो इट इज वेरी मच नीडेड कि हमारा जो कल्चरल लैग है वो कम हो. सो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस हियर. अगर मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ा हो तो माफी चाहूंगी उसके लिए, लेकिन मैंने जितना भी मैंने सीखा है अपने टीचर्स से मैंने बताया यहाँ पर. तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो यू कैन रीच आउट टू मी. लिंक टू पैंडेमिक, ओके. अप्रोच टू सोसाइटी डे टू डे लाइफ में कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ड्यूरिंग पैंडेमिक, वेरी गुड क्वेश्चन. ओके, अगर हम लोग आते हैं यहाँ पर, आप कौन से अप्रोच की बात कर रहे हैं बताइए. कोई मैक्रो लेवल बताऊं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, चलिए फंक्शनलिज्म पे बताते हैं. सोसाइटी है हमारी, स्कूल है, स्कूल तो एकदम प्राइम एग्जांपल है. ड्यूरिंग पैंडेमिक तो हम लोग किस तरीके से बच्चों तक पहुंच रहे हैं सोसाइटी में? ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, विद द हेल्प ऑफ गूगल मीट, विद द हेल्प ऑफ मेनी मेनी एग्जामिनेशंस एंड टीचर्स आर वर्किंग डे एंड नाइट. तो ये क्या है कि आप किस तरीके से सोसाइटी में क्राइसिस को खत्म करके आप पहुंच रहे हैं, क्राइसिस के साथ आप लड़कर बच्चों तक पहुंच रहे हैं.
सो दैट इटसेल्फ इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर आई बिलीव स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म. हमारी जो फंक्शनैलिटी है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, उसके बाहर जाकर हम लोग कुछ कर रहे हैं. हमारी जो लिमिटेशंस है उसको तोड़कर वी आर रीचिंग स्टूडेंट्स. तो वो हो गया सिंपल एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म. कॉन्फ्लिक्ट्स, हर सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. स्कूल में लीजिए, आपने कोई नया कोई आपने फंक्शन शुरू किया होगा, नया कोई नियम बनाया होगा, फॉर श्योर उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगी, क्योंकि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल बोलेंगे जो टेक्नोलॉजिकली इतने साउंड नहीं है, विच इज नॉट वेरी मच ट्रू. आजकल हर कोई टीचर अपना बेस्ट दे रहा है, लेकिन हाँ कुछ होते हैं कि हाँ एडवांसमेंट उनको थोड़ा टाइम लगता है उन चीजों को सीखने के लिए, बिकॉज दिस इज समथिंग वन डे एक्टिविटी नहीं है, ये काफी टाइम लगता है इन चीजों को सीखने को. सो आप जब इन चीजों को सीखते हैं तो या आप ऑब्वियसली एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, कि उनको लगता है कि नहीं जो चल रहा है वो चलने दीजिए, और कुछ नए जो जनरेशन है जिनका थोड़ा यंग ब्लड है वो बोलेंगे कि नहीं क्यों, वी शुड ब्रिंग सम न्यू चेंजेस ताकि वी कैन अट्रैक्ट स्टूडेंट्स. दिस इज समथिंग अ रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है. पैंडेमिक ने हमको ये सिखाया कि किस तरीके से. ओके सर, आई विल सेंड. बट सर दीज आर ऑल माई हैंडमेड, बट श्योरली आई सेंड सर. अगर सबको समझ आ जाए तो मैं भेज दूंगी. श्योर सर. सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट थियरी, किस तरीके से अभी भी होता है ना सोसाइटी में, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं. श्योर सर, आई विल सेंड. आफ्टर कुछ पैंडेमिक में ही कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनके पास बहुत ज्यादा मनी है, कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनके पास बिल्कुल ही नहीं है. तो उन लोगों में भी कंटिन्यू एक स्ट्रगल चलता है ना, कि उनको भी लगता है कि हाँ इनके पास ये इतने प्रिविलेज्ड है और हमारे पास दो, वी आर ऑल्सो इंडिविजुअल बट वी आर नॉट प्रिविलेज्ड एनफ. सो दिस इज ऑल अबाउट अ परफेक्ट एग्जाम्पल दैट अभी मेरे दिमाग में आया, टू कॉन्फ्लिक्ट थियरी एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म. सो एनी डाउट टू एनी वन, दे कैन आस्क मी. और एल्स थैंक यू सो मच काफी देर सुनने के लिए. थैंक यू. सो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे. सो आई होप सो जिन्होंने पूछा था मुझसे मिस्टर, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. थैंक यू. अगर आपको कोई भी डाउट होगा मैं. थैंक यू. ओके सो रिस्पेक्टेड सर, मैं एंड कर सकती हूँ अपना वीडियो अगर सबका, अगर किसी को कोई डाउट ना हो. ओके सो आई थिंक टाइम भी हो चला है आप, और एक क्लास भी है मैम की. तो थैंक यू सो मच, और डू रीच आउट टू मी अगर कोई भी डाउट हो, या मैंने कहीं भी कोई अगर कॉन्सेप्ट मैंने. थैंक यू सर. अगर मैंने कोई भी डाउट मैं रिजॉल्व ना कर पाई हूँ तो थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर योर पेशेंट शेयरिंग. थैंक यू सो मच एंड ब्लेस मी, ताकि हम लोग सब अपना पेरेंट्स का नाम रोशन कर पाए और वी कैन एक्सेल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you. Have a nice day, everyone. Stay safe. Thank you.